वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आटे से केक बनाना बताने जा रही हूँ जो बहुत ही हेल्दी है। इसमें ना तो अंडे का इस्तेमाल किया गया है, ना तेल का इस्तेमाल किया गया है, ना ही शक्कर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही किफ़ायती है और बिल्कुल रूई के जैसा सॉफ्ट बना है। तो इसको बनाना कैसे है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और मेरे नए रेसिपी के वीडियो के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएँ। तो पहले हम अपने कढ़ाई को, जिसमें केक को बेक करना है, उसको प्रीहीट करेंगे। और इसमें मैंने एक कटोरी नमक डाला है। एक स्टैंड रखिए या फिर छोटी सी कटोरी उल्टी करके रख दीजिए और इसको ढककर 7 से 8 मिनट तक प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। अब हम केक को मीठा बनाने के लिए शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, यानी जैगरी। और ये 1 कप है, यानी 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है। अब इन्हें हमें पिघलाना है। इसके लिए इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिए इसका, और इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल लीजिए। ज़्यादा पानी नहीं डालना है और धीमी आंच में इसको पिघला कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम एक दूसरे बाउल में केक का बैटर तैयार करेंगे। मैंने मैदे की जगह यहाँ पे आटा लिया है और ये 1 कप आटा है। और जो मैं यहाँ पे मेजरमेंट बता रही हूँ उसका ध्यान रखें, क्योंकि अच्छा केक बनाने के लिए मेजरमेंट परफेक्ट होना जरूरी है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है मैंने, और 1 चुटकी नमक डालेंगे। नमक से जो ईस्ट होता है ज़्यादा एक्टिव होता है और इससे केक बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ पे वनीला एसेंस की जगह मैंने इलायची का पाउडर लिया है, और 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है आप यहाँ पे, और 1/2 कप मैंने दही लिया है। और बिना अंडे का केक बनाने के लिए दही बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में लेंगे 1/2 कप दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना चाहिए। अब इन सारी सामग्रियों को हम मिला लेंगे। किसी चम्मच या विस्कर है आप उसे मिला लीजिए, और ध्यान रखें कि गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। जब हम इनको थोड़ा मिला लेंगे तो जो हमने गुड़ को पिघलाया हुआ है ये थोड़ा ठंडा हो गया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना रहना चाहिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिलाएंगे, इकट्ठा ना डालें। और इनको अच्छी तरह से मिलाइए ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालकर सारा जो गुड़ है ना पिघला हुआ, ये सारा इसमें चला जाएगा। और इनको सावधानी पूर्वक मिला लीजिए। और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल कोई भी गुठलियाँ नहीं है, और इसका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स ड्राई फ्रूट डाला है, आपकी इच्छा है तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा किशमिश, बादाम, काजू, थोड़ा पिस्ता लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में ले सकते हैं। इनको मिला लीजिए। अब इनको मिलाने के बाद एक मोल्ड में डालेंगे बेक करने के लिए। यहाँ पर मेरे पास केक का मोल्ड है। आपके पास यदि मोल्ड नहीं है तो कोई भी कटोरी हो, टिफ़िन हो, उसमें थोड़ा तेल लगा लीजिए अच्छी तरह से, और थोड़ा सा आटे से डस्ट कर लीजिए पूरा टिफ़िन, और फिर इसमें हम केक के बैटर को डाल देंगे। इसके बाद इसको थोड़ा टैप कर दीजिए 2 से 3 बार, और टिफ़िन पूरा नहीं भराना चाहिए, थोड़ा 1 इंच ऊपर खाली जगह रहना चाहिए। अब इसको हम बेक करेंगे। जो हमने कढ़ाई रखी थी प्रीहीट के लिए, इसमें हम अपने केक के मोल्ड को रख देंगे और इसको ढककर धीमी आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करने देंगे। और ये 30 मिनट हो चुका है, मेरा केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो गया है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। आप किसी चाकू या इस तरह से कोई टूथपिक है इसके अंदर घुसा कर देख लीजिए, यदि ये पूरा क्लीन आउट होता है तो यानी केक बेक हो चुका है। केक को निकाल कर बाहर रख लीजिए, इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको डिमोल्ड करेंगे, थोड़ा चाकू से लूज कर लीजिए साइड में, और कोई प्लेट इसके ऊपर रख के मोल्ड को उल्टा कर देंगे और ऊपर से थोड़ा टैप कर दिए, केक बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप एक बार चेक करते हैं इसको। वाह, बहुत ही बढ़िया बना है केक, देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इलायची पाउडर की। और इसको एक बार कट करके मैं दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा दिख रहा है।
और ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है बिल्कुल। और आप भी अपने घर पर बनाइए बिल्कुल हेल्दी केक और एंजॉय करिए क्रिसमस। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।